हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ममता कालिया जी की एक पोएम जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के 8 साल बाद। तो इसका हम टेक्स्ट भी पढ़ेंगे और आपको कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझाने की, और उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ममता कालिया जी से। तो ममता जी के बारे में हम कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। ममता जी जो हैं, इनका जन्म हुआ था 1940 में मथुरा में। तो मथुरा में पैदा हुई थी ये, और इनके जो फादर हैं और इनके जो अंकल हैं, जो कि दोनों सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में पढ़े हुए हैं, ये लिटरेचर में मतलब इन्होंने भी बहुत काम किया है, और इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर में इनकी स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा बात करें तो ममता कालिया जी जो हैं, उन्होंने अपनी मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में ही कंप्लीट करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1963 में। उसके बाद इन्होंने लेक्चरशिप ली थी एट SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी इन मुंबई। फिर उसके बाद इन्होंने रविंद्र कालिया जी से शादी कर ली। फिर इसके बाद इनका जो लिटरेचर में भी बहुत योगदान रहा है, बायलिंगुअल राइटर रही हैं ये। ममता कालिया जी जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखती थी। इन्होंने पोइट्री की 2 वॉल्यूम्स जो हैं वो पब्लिश करी हैं इंग्लिश में, जिसका नाम है, एक का नाम है ट्रिब्यूट टू पापा एंड अदर पोइम्स, जो कि 1970 में पब्लिश हुई थी, और दूसरी है पोइम्स 78, जो कि 1978 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा हिंदी में इन्होंने 5 नॉवेल्स लिखे हैं, 7 श॔ट स्टोरी कलेक्शंस लिखी हैं, 2 1-एक्ट प्ले कलेक्शंस लिखी हैं, एंड 4 नॉवेलेट्स फॉर चिल्ड्रन लिखे हैं, और इन्होंने 3 वर्क्स जो हैं उनको एडिट भी किया है। इसके अलावा बात करें तो ममता जी को 6 अवार्ड भी मिले हैं हिंदी में, इनकी राइटिंग जो इन्होंने कुछ वर्क अपने हिंदी में लिखे थे उसके लिए इनको 6 अवार्ड मिले थे। इसके अलावा इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क्स हैं हिंदी और इंग्लिश में, जिनमें बेगार आता है, जांच अभी जारी है आता है, निर्मोही आता है, और बोलने वाली औरत ये आता है। फिर 2017 में इनको एस्टीम्ड लिटरेरी अवार्ड व्यास सम्मान दिया गया था फॉर हर पायनियरिंग नावल, जिसका नाम था दुखम सुखम। उसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जो हैं वो इनको मिले हैं, जिनमें कि यशपाल कथा सम्मान आता है, राम मनोहर लोहिया सम्मान आता है, और साहित्य भूषण सम्मान भी आता है। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू ममता कालिया जी का। अब हम इनकी जो पोइट्री है, एक पोएम है इनकी आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ मैरिज, वो डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसे इसके टाइटल से ही समझ आ गया होगा कि शादी के 8 साल बाद की इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस शायद शेयर किए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के 8 साल बाद, द फर्स्ट टाइम आई विजिटेड माय पेरेंट्स, पहली बार जब मैंने अपने माता पिता से मुलाकात की, दे आस्क्ड आर यू हैप्पी टेल अस, उन्होंने पूछा क्या आप खुश हैं हमें बताएं। इट वॉज एन एब्सर्ड क्वेश्चन, ये एक बेतुका सवाल था, एंड आई शुड हैव लॉफ्ड एट इट, और मुझे इस पे हंसना चाहिए था। इंस्टेड आई क्राइड, पर मैं रोना शुरू कर दिया मैंने, एंड इन बिटवीन सोप्स नोडेड यस, और सिसकियों के बीच हाँ में सर हिला दिया। आई वॉन्टेड टू टेल देम, मैं उन्हें बताना चाहती थी, दैट आई वॉज हैप्पी ऑन ट्यूजडे, मैं मंगलवार को खुश थी, आई वॉज अनहैप्पी ऑन वेनसडे, मैं बुधवार को ना खुश थी, मेरा मूड ऑफ था बुधवार को, आई वॉज हैप्पी वन डे एट 8 o'clock, एक दिन मैं 8 बजे खुश थी, और आई वॉज मोस्ट अनहैप्पी बाई 8:15, और मैं दुखी थी 8:15 पे।
I wanted to tell them how one day we all ate a watermelon and laughed. मैं उनको बताना चाहती थी कि कैसे हमने एक दिन सबने मिलकर तरबूज खाया और हम हंस रहे थे. I wanted to tell them how I wept in bed all night once. मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं एक बार पूरी रात बिस्तर पर कैसे रोती रही. And struggled hard from hurting myself. और ख़ुद को चोट पहुंचाने से बचाने में मैंने संघर्ष किया उस दिन, बहुत खुद संघर्ष करती रही. That is wasn't easy to be happy in a family of 12. 12 लोगों के परिवार में खुश रहना कोई आसान काम नहीं था. But they were looking at my two sons. पर वो मेरे दो बेटों की तरफ देख रहे थे. Hopping around like young goats, जो कि बकरियों की तरह इधर उधर उछल रहे थे. Their wrinkled hands, bitten faces, grey eyelashes. और यहाँ पर ये बात करते हैं अपने पेरेंट्स की, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी जो स्किन है लूज़ होती जाती है. तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे रिंकल्ड हैंड्स लिखा है इन्होंने और बिटन फेसेस ग्रे आईलैशेस. जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे जो हेयर्स का कलर भी लाइट होता जाता है. तो ये वहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं, उनकी झुर्रीदार हाथ, पीटे हुए चेहरे और बुरे रंग की पलकें जो हैं वो were all too much too real. वो बहुत ही ज़्यादा असली थी. So I swallowed everything. इसलिए मैं सब कुछ निगल गई. मैं जो भी कहना चाहती थी, मेरे दिल में जो भी भावनाएं थी मैंने अपने दिल तक ही रखी. मैं उनको दुखी नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने चुप करके सब्र का घून पी लिया और उनको कुछ नहीं बताया. And smiled a smile of content. और मैं बहुत ही अच्छी सी मुस्कुराई. तो ये थी ममता कालिया जी की 8 ईयर्स ऑफ मैरिज की पोइम. आई होप कि आपको अच्छी लगी हो और समझ भी आ गई हो. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग.